युवक को जान से मारने की साजिश, फांसी लगाकर टांगा ब्रश से। चिरगांव में हुआ युवक पर जानलेवा हमला। घटना 6 फरवरी रात 8:30 बजे की बताई जा रही है, जब फरियादी शशिकांत कुशवाहा पुत्र स्वर्गवासी बलवीर कुशवाहा चिरगांव से अपने गांव नंदसिया जा रहे थे। जब वह अपने चिरगांव में थे तब कुछ लोगों ने पहले उनसे गाली गलौज की। गाली गलौज चिरगांव रामनगर तेला पर हुई, जिस पर उन्होंने जाना ध्यान नहीं दिया। बाद में हाईवे पर दोबारा बदमाशों ने उन्हें 4 पहिया वाहन उनकी गाड़ी के आगे लगाकर रोक लिया और मारपीट करने लगे, जिस पर फरियादी जान बचाकर भागा। जिस पर बदमाशों ने उन्हें पकड़कर गले में फांसी का फंदा लगाकर ब्रिज से नीचे फेंक दिया और बदमाश मौके से फरार हो गए। लेकिन भागवत शशिकांत के पैर ब्रिज के पाए पर जा टिके और उनकी जान बच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिरगांव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सभी सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। चिरगांव से एसआरबी पर ब्रजेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। है चिरगांव क्षेत्र के बारे में, यहाँ जो आज घटना रात में घटित हुई, इससे हम पीड़ित से पूछते हैं। भैया आपके सर रात में क्या घटना घटित हुई है आपके सर? मैं चिरगांव से अपने घर नंदिया जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने सुल्तानपुरा बाईपास पर पीछे से पहुँच के मैं रोक कर गाली गलौज की। फिर मैं रोड पार उस पार करके मैंने भागने की कोशिश की तो उन्होंने पीछे से ऊपर अपने पकड़ लिया और मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे रस्सी के बांधकर उनके नीचे लटका दिया। अच्छा, क्या आपको उन व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, उनके बारे में जानकारी। आपने इसके बाद थाने में आकर क्या किया, कुछ मामले के बारे में कुछ बताया किस? हाँ, थाने में एप्लीकेशन दी है। चिरगांव से अपने गाँव नंदिया जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने किराए पर मैं गाली गलौज की तो हमने उसको अनदेखा करते हुए हमने सोचा किसी और को दे रहे हैं के पास पीछे से गाड़ी लगाई और उन्होंने फिर वहाँ रोक कर मैं गाड़ी गलौज की। तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे साइड हाईवे पर निकल कर मैं भागा। फिर मैंने अपने परिजनों को वहाँ से कॉल की कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तभी उन्होंने पीछे से आके आगे गाड़ी लगा के और मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे रस्सी से बांध कर ब्रिज के नीचे लटका दिया, ऊपर ब्रिज के नीचे लटका दिया। एसआरबी का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है। एसआरबी बुलेटिन यूट्यूब चैनल भ्रष्टाचार, क्राइम, अवैध खनन को रोकने और जनता की आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ मध्य प्रदेश स्वच्छ भारत बनाना है। जय हिंद।